नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। कांकेर के प्राथमिक विद्यालय दागुन टोला में दो शिक्षकों वाला स्कूल की व्यवस्था बदहाल हो रखी है। इंडिया वॉइस की टीम दोपहर 12 बजे स्कूल पहुंची तो देखा कि स्कूल के बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। जब बच्चों से शिक्षकों को लेकर बात की गई तो पता चला कि एक शिक्षक अंतागढ़ तो दूसरा ताड़वेली गया हुआ है। वहीं स्कूल की बदहाली के कारण बच्चे 2 किलोमीटर दूर से पानी लाकर पीते हैं। स्कूल में पेयजल तक की व्यवस्था नहीं है। वहीं मिड डे मील की बात करें तो बच्चों को सिर्फ हर रोज दाल ही दिया जाता है। चावल की बात करें तो उसमें चावल कम, कीड़े ज्यादा दिखाई देते हैं। वहीं स्कूल में एक हैंडपंप ऐसा भी लगा है जहां सिर्फ पानी भी नहीं आता है। तो देखिए, ये कांकेर का एक स्कूल है जहां की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दो शिक्षक है स्कूल में, दोनों शिक्षक में से किसी का अता पता नहीं चला। जब इंडिया वॉइस की टीम धरातल पे गई और ऐसे में बच्चे क्या कर रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर नजर आ रहा है। अगर स्कूल की बदहाली की बात की जाए तो मिड डे मील तक यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा है। दाल में दाल कम, पानी ज्यादा, और चावल की बात की जाए तो कीड़ों की संख्या ज्यादा है, चावल दिखाई भी नहीं दे रही है। पानी के नाम पर, पेयजल के नाम पर यहाँ पे सिर्फ एक हैंडपंप है जो कि शोपीस है मात्र। और बता दें कि ये जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है वो कांकेर के एक विद्यालय की तस्वीर है जहाँ इंडिया वॉइस की टीम धरातल पे पड़ताल करने पहुंची तो अब कई ऐसी चीजें हैं जो कि निकल के सामने आई। बच्चों से यहाँ पे शिक्षक के बारे में पूछा गया तो कोई अता पता नहीं था, और यही आए दिन होता रहता है। बच्चे यहाँ पे पढ़ाई भी नहीं कर पाते सुचारू रूप से। जिस तरीके से एजुकेशन बच्चों को मिलनी चाहिए वो पढ़ाई, वो शिक्षा बच्चों को नहीं मिल पा रही, और ऐसे में बदहाली की तस्वीर हम आप तक पहुँचा रहे हैं। बच्चे भविष्य होते हैं लेकिन जब तक उनका शिक्षा नहीं होगा, शिक्षक जब उन तक नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा। पाँच साल भी मैं ही सरपंच थी कि बोलते हैं काम यहाँ से चले जाओ, मैं काम करूँगा। पिछला 5 साल भी मैं ही सरपंच थी। कोरा चेक में साइन लेकर जा रहे थे, जवाब दे रहे थे कि यहाँ पे मत रहो, मायके में चले जाओ करके बोल रहे थे। तो मैं बाद में मायके में चली गई। लगभग 4 या 5 महीना मैं घर पे थी, PV3 नंबर में। उसके बाद मेरे को वहाँ पे भेजा दिया गया था। और अभी जो 5 साल पिछले सामने जो 5 साल वो किए, अभी और मेरे को गए थे लाने के लिए यहाँ पे मेरे मायके में। पंकाजूर के नहगिदा के प्राथमिक शाला में एक शिक्षक ने बच्चों से काम करवाने का मामला सामने आया है, जहां प्राथमिक और माध्यमिक शाला में नाबालिग बच्चों से भरी दोपहरी में मिट्टी खुदवाई जाती है। बता दें कि काम और शिक्षक की तानाशाही का वीडियो बनाने से रोका गया। साथ ही संकुल समन्वयक ने भी इस प्रकार से बच्चों से काम करवाने को जायज ठहराया। सीधे चलेंगे जहां सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का समापन कार्य है, जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच होगा। स्पोर्ट्स को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का हिस्सा बनाए, इसकी आइटम बने। मेरठ में इसका केंद्र बनाया गया है। तेजी के साथ वहां देश और दुनिया के जितने भी इस प्रकार के आयोजन है वे सभी के लिए, जितने भी वहां पर प्रतियोगिता के लिए स्पोर्ट्स किट उपलब्ध होने हैं वे सभी कुछ वहां उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और वर्तमान में तो क्रिकेट का विश्व कप का आयोजन, जिसका मुख्य मुकाबला भी लखनऊ में ही होने जा रहा है, और वर्तमान में ये मैच लखनऊ में आयोजित चल रहे। कल भी आपने देखा होगा लखनऊ में
भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी टाना स्टेडियम में एक विश्व कप का मैच आयोजित हुआ था। यह सिलसिला लगातार चल रहा है। आज प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में एक भिन्न प्रकार के आयोजन एक नया मंच प्राप्त कर रहे हैं और इसको प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर जिस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रमों के साथ जुड़ना, उसका लाभ लेना, उसको अपने कैरियर का हिस्सा बनाना हम सब के लिए आवश्यक होगा। इस दृष्टि से सांसद खेलकूद प्रतियोगिता अमेठी संसदीय क्षेत्र यह अत्यंत रोचक प्रतियोगिता रही है, बहुत प्रभावी प्रतियोगिता रही है। इस रोचक और प्रभावी कार्यक्रम के लिए मैं यहाँ की लोकप्रिय सांसद जी का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ, सभी प्रतिभागियों को हृदय से बधाई देता हूँ। पुरस्कार प्राप्त करने वाले जितने भी खिलाड़ी हैं उन सबके प्रति अपनी शुभकामना देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि आज ये पुरस्कार के साथ साथ अमेठी वासियों को जो 700 करोड़ रुपए के विकास परियोजना की सौगात भी प्राप्त हो रही है, इसका लाभ और आने वाले अन्य परियोजनाओं का लाभ भी अमेठी वासियों को निरंतर प्राप्त होता रहेगा। आप सबके प्रति इस अवसर पर मेरी मंगलमय शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। मित्रों, आज के कार्यक्रम अपने समापन की ओर है। केवल एक मिनट का एक छोटा कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। सांसद खेल प्रतियोगिता का समापन कार्यक्रम था, उसमें वो गए और उन्होंने शिरकत करते हुए यहाँ के तमाम सांसदों को धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया किस तरीके से इस तरीके के कार्यक्रम होना कितना जरूरी हो जाता है। खबर में आगे बढ़ेंगे। जगदलपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा शहर में अवैध रूप से सट्टा पर्ची अंकों के आगे रुपए और मोबाइल में व्हाट्सएप के माध्यम से जुआ सट्टा खेलने की सूचना मिली थी, जिसके चलते पुलिस ने यहां पे टीम गठित की। अलग अलग स्थानों से 3 संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं रेड कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से 14 नग सट्टा पर्ची और 9,500 रुपए बरामद किए गए हैं। जगदलपुर से मुक्ति मोर्चा संयोजक और कांग्रेस के नेता नवनीत चांद ग्राम पंचायत माडपाल पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की और पंचायत और विधानसभा की समस्याओं को लेकर लोगों से चर्चा की। बता दें कि नवनीत चांद ने कहा है कि भाजपा के 15 वर्ष और कांग्रेस के 5 वर्ष के विधायकों और सरकारों के शासन उदासीनता के चलते संस्कृति और राजनैतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा ग्राम माडपाल अपनी बुनियादी सुविधाओं और विकास से वंचित है, जिससे जनता में रोष है और ये विकास का रास्ता ताक रही है। साथ ही कहा है कि लगातार हम लोगों तक पहुंच रहे हैं और वर्तमान स्थिति को देख रहे हैं। जनता के साथ मिलकर हम यथासंभव उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए कोशिश करेंगे। और जगदलपुर में पुलिस ने कार्रवाई की है, जहां अवैध शराब बिक्री की सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा टीम गठित कर कार्रवाई के लिए रवाना हो गई। बता दें कि रेड के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से एक सफेद रंग के बोरी के अंदर अवैध अंग्रेजी शराब मिले हैं। गोवा पाव 40 नग 7,200 ml बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 5,200 रुपये बताई जा रही है और आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया है। तो
तो वह शराब यहाँ पे पुलिस ने जब्त की है रेड करके। बता दें कि इसकी कीमत जो है 7,000 की बताई जा रही है, और ऐसे में बता दें कि ये रेड पुलिस का कई दिनों से लगातार जारी है अलग अलग स्थानों पर, और पुलिस को जगदलपुर में बड़ी कामयाबी मिली है, और इसके बाद से पुलिस लगातार इस रेड को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और इस तरीके के तस्करों को गिरफ्तार करने में पुलिस लगी हुई है। कोरबा में नकली सोना से लोन लेने का मामला सामने आया है। बता दें कि नकली सोना गिरवी रखकर निजी बैंक से लोन लेने वाला मिर्जापुर गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं पुलिस ने गिरोह के कब्जे से नकली सोने से बने हुए सामान को धारा 102 में जब्त कर मामले की आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। नजर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा के द्वारा हमें वाहन चेकिंग एवं संदिग्धों पर नजर रखने को हिदायत दिया गया था। उसी तारतम्य में हमारे सीएसबी चौकी की टीम एवं साइबर सेल की टीम द्वारा टीपी नगर बस स्टैंड के पास में अपना एमसीपी जिसे लगाए हुए थे, जहां पर ये अभिनव श्रीवास्तव और मोहम्मद आमिर ये निवासी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के एवं कोरबा के शेख मनोवल खान ये नून बिरदा गाँव का, ये तीनों संदिग्ध स्थिति में मिले। उनकी तलाशी लेने पर उनके कब्जे से तीनों के कब्जे से 3 नग सोने जैसे धातु की हार एवं 12 नग चूड़ियां बरामद हुई थी, जिसके संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं तो उसको नोटिस दिया गया। उनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर उसे 102 सीआरपीसी के तहत जब्त किया गया है। छत्तीसगढ़ में चुनावी मौसम अपने पूरे रंग में रंगा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रही है। बीजेपी ने अपने 64 उम्मीदवारों का मैदान में उतार दिया है, जिस पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की फिजाओं में चुनावी माहौल फैला हुआ है, जिसको देखते हुए सियासत जोरों पर चल रही है। बीजेपी ने अपने 64 योद्धाओं को मैदान में उतार दिया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस सहित क्षेत्रीय दल भी इस बार पूरी तैयारी में हैं, लेकिन इस बार फिर बीजेपी ने अपने पूर्व मंत्रियों पर दांव लगाकर उन्हें सियासी मैदान में उतार दिया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को छोड़कर भाजपा के बाकी सभी मंत्रियों की 2018 में बुरी तरह से हार हुई थी, फिर भी भाजपा ने इस बार उन सभी पूर्व मंत्रियों पर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर सियासी चुटकी लेते हुए कहा, इस बार भी चल तो उसी की रही है जो सूची जारी हुई। कहां से हुई, लीक हुआ था, कहां से हुआ था, सब जानते हैं। भले ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को अपने बगल में बैठा लें, लेकिन चल तो रही है रमन सिंह की। आपको बता दें, लगातार चर्चाएं हो रही थी कि संगठन में बदलाव के बाद रमन सिंह को साइडलाइन कर दिया गया है, लेकिन जिस प्रकार बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के मंत्रियों को इस बार मैदान में उतारा, इससे साफ हो गया कि बीजेपी हाईकमान का भरोसा आज भी पुराने नेताओं पर कायम है। वहीं भाजपा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान को लेकर कहा कि इस बार वे पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। जनता अब भूपेश के भ्रष्टाचार को जान चुकी है, जिसको जनता ने पहले नकार दिया, चाहे वो अमर अग्रवाल जी हों, चाहे राजेश मूणत जी हों, चाहे वो प्रेम प्रकाश पांडे जी हों, ये सारे चेहरे पिछले समय जनता ने नकार दिया था, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है। और इनके पास अब कोई चेहरा नहीं है, मतलब जो हारे हुए हैं उसके भी उस सीट में भी वो सारे लोगों को टिकट दिए हैं। भूपेश बघेल की पहली ऐसी सरकार है जो नकारात्मक बिंदुओं के साथ में चुनाव के अंदर में जाना चाहती है, वो अपनी उपलब्धि बताने से गुरेज करती है, परहेज करती है, वो हम पर सवाल खड़ा करने का प्रयास करती है, 15 साल की बात करती है या नरेंद्र मोदी की सरकार पर कोई बातचीत उठाती है, प्रतिदिन आपने देखा कि कोई ना कोई विषय आता है। इसका सीधा अर्थ है, इस प्रेसवार्ता को मैं यहां से प्रारंभ करूंगा, कि इस भूपेश बघेल की सरकार के पास में स्वयं के पास में अपनी उपलब्धियों को बताने का
कहीं कोई ऐसा आधार नहीं है या जनता के बीच में कोई प्रभाव छोड़ सके, ये कांग्रेस की सरकार भी इस बात को समझ सकी है। तो पूर्व मंत्री अपने सीटों पर कांग्रेस को कैसे देंगे टक्कर, ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता पड़ेगा। अब देखना ये भी होगा कि बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव में क्या कांग्रेस की बातों का जवाब दे पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। और कोरबा के बांगो थाना क्षेत्र के चूलभट्टी गांव की एक 28 साल की युवती का अपहरण हो गया। जानकारी के मुताबिक युवती कोरबा में रहकर काम सीख रही है, जहां से वो अपने घर आने के लिए निकलती तो रास्ते से लापता हो गई, जिसके बाद पिता के पास 15 लाख की फिरौती का फोन आया है और मांग पूरी ना करने पर जान से मारने की धमकी दी है, जिसकी शिकायत उसके पिता ने पुलिस से की है, लेकिन कोई कार्रवाई ना होने पर उन्होंने SP से शिकायत कर मदद की गुहार लगाई है। तो यह करीब 2:30-3 बजे के लगभग मतलब फोन किया था, अब मैं तो नहीं था घर में, मेरा घर वाले थे। हाँ, उतना समय लेके गया था लड़की, मेरा लेके गया मोबाइल को, अब वही मोबाइल से फिर फोन आया सर। क्या आया फोन में, क्या बोले? फोन में आया कि तुम्हारा लड़की गिनाप हो गया है किससे। अब वो बोला कि तुम लोग गिनाप तो हो गया है, 15 लाख रुपया तुम लाओगे तो तुम्हारा लड़की मिल जाएगा, और नहीं लाओगे तो तुम्हारा लड़की को सिर को काट के तुम्हारा लिए भिजवा देंगे। इसके फिर बोला सर, क्या बोले? पुलिस को भी मत बताना बोला। हाँ, पुलिस को भी मत बताना, मतलब इतने कोई ला मत बताना इसे टाइप का। और बलौदा बाजार में आचार संहिता लगते ही कलेक्टर चंदन कुमार ने आज राजस्व विभाग और खनिज विभाग ने अवैध उत्खनन के 32 प्रकरण बनाए, तो वही 17 ट्रैक्टरों को अवैध उत्खनन करते हुए पकड़े, साथ ही 8 लाख की वसूली भी की गई और 2 JCB, 2 ट्रक, 13 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया। जगदलपुर में निर्वाचन की अवधि के दौरान जिले में सतर्कता बरतने के लिए लगातार रात्रि काल में कलेक्टर विजय दयाराम के और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा SST के कार्यों का निरीक्षण किया। बता दें कि दोनों अधिकारियों ने रात 12 बजे फरसद गुड़ा चेक पोस्ट में लगभग 20 वाहनों की सघन जांच अपने समक्ष करवाई, तो वहीं कलेक्टर विजय ने चेक पोस्ट में तैनात दलों को विशेषकर पिकअप वाहन बसों की जांच करने के साथ ही वाहन चालकों का पूरा विवरण पंजी में दर्ज करवाने के निर्देश दिए। खबर जगदलपुर से है, जहां जिले के सीमा क्षेत्र अंतर्गत सशस्त्र लाइसेंस धारकों के सशस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं, वहीं अपने अगण्य अस्त्र शस्त्र थाने में जमा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिला दंडाधिकारी और अनुज्ञापन प्राधिकारी श्री विजय दयाराम ने आदेश जारी किया है। बता दें कि आम व्यक्ति की सुरक्षा की दृष्टि से समिति अवधि के लिए जिले के सीमा क्षेत्र में अगण्य सशस्त्र लाइसेंस धारियों से जमा करवा लेने के आदेश जारी किए गए हैं। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।